Welcome to Splendid Mom. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. Hello mommies, welcome to Splendid Moms. आज के वीडियो में हम देखेंगे आप बच्चों को पेंसिल ग्रिपिंग कैसे सिखा सकती है, प्रॉपर पेंसिल होल्डिंग कैसे सिखाना है, ये हम आज देखेंगे. जब बच्चा बहुत छोटा होता है, एक साल का या दो साल का, वो पेंसिल कुछ इस तरह से पकड़ता है. अपने भाई बहन को देखकर या अपने पेरेंट्स को देखकर वो पेंसिल होल्ड करने की कोशिश करता है और वो इस तरह से होल्ड करता है. फिर नेचुरली कुछ टाइम बाद बच्चे इस तरह से पेंसिल पकड़ते हैं. सो अगर आप अपने बच्चे की पेंसिल होल्डिंग को करेक्ट करना चाहती है तो 3 या 3.5 ईयर्स के बाद ही उसे करेक्ट करिए, उससे पहले नहीं. ये बहुत जरूरी है. पेंसिल को कैसे ग्रिप करना है, होल्ड करना है, ये सिखाना बहुत जरूरी है. क्या होता है, अगर बच्चा प्रॉपरली होल्ड नहीं करेगा तो उसके हाथ में दर्द होगा, उसके रिस्ट में स्ट्रेस की वजह से उसके हाथ में दर्द होगा और वो ज्यादा नहीं लिख पाएगा और वो लिखने से मना करेगा. और साथ ही उसकी राइटिंग स्पीड भी स्लो हो जाएगी, वो स्लो राइटर हो जाएगा. कैसे वर्ड्स को लिखना है, कैसे लेटर्स को लिखना है, कैसे हाथ को मूव करना है, ये सब उसे मुश्किल लगेगा और वो स्ट्रेस हो जाएगा और वो लिखने से मना करेगा. इसीलिए बच्चे को पेंसिल होल्डिंग सिखाना बहुत जरूरी है और करेक्ट टाइम पर सिखाना जरूरी है. आप एक साल दो साल के बच्चे को पेंसिल होल्डिंग करना मत सिखाइए, वो बहुत डिस्करेज हो जाएंगे. जब वो बहुत छोटे होते हैं उन्हें जैसे चाहे वैसे लिखने दीजिए, चाहे वो कुछ भी लिखे, कुछ भी ड्रॉ करे, कैसे भी होल्ड करे, यहाँ 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 इस तरह से कैसे भी वो होल्ड करें, उन्हें करने दीजिए. आप उन्हें टोकिए नहीं. जब वो 3 साढ़े 3 साल के हो जाएंगे, 3 3.5 ईयर्स के हो जाएंगे, जब वो रेडी हो जाएंगे स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जब उनका एडमिशन होने वाला होता है, जब उस वक्त आप पेंसिल होल्डिंग उनकी करेक्ट करिए, उन्हें प्रॉपर पेंसिल होल्डिंग ग्रिपिंग सिखाइए ताकि वो पेंसिल कंट्रोल कर सके, नीटली लिख सके और उनके हाथ में दर्द ना हो. आइए देखते हैं पेंसिल होल्डिंग आप बच्चे को कैसे सिखा सकती हैं. तो जब आप पेंसिल होल्डिंग बच्चे को सिखा रही हैं, बच्चे से कहिए कि अपने रिंग फिंगर और बेबी फिंगर को इस तरह से फोल्ड करें और अपने 3 फिंगर्स को इस तरह से करीब लेके आए. एलिगेटर्स माउथ इसे हम कहते हैं, मगरमच्छ का मुंह इस तरह से वो बनाए और पेंसिल को इन 3 फिंगर्स के हेल्प से इस तरह से होल्ड करें. सो 2 फिंगर्स क्लोज होनी चाहिए और 3 फिंगर्स के हेल्प से पेंसिल को उन्हें होल्ड करना होगा. इसे हम कहते हैं ट्राईपॉड ग्रिप, 3 फिंगर्स के थ्रू. ये है करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पेंसिल थ्रू ट्राईपॉड ग्रिप. इस तरह से आपको बच्चे को सिखाना है. स्लोली जब वो लिखना स्टार्ट करेगा, कुछ टाइम बाद आउट ऑफ कंफर्ट उसकी फिंगर अपने आप इस तरह से यहां हट जाएगी और उसे एक बेस मिलेगा और वो प्रॉपरली लिखना स्टार्ट करेगा. सो ये था ट्राईपॉड ग्रिप विथ 3 फिंगर्स जो आपको बच्चे को सिखानी होगी. एक और बात, बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है उसे ये भी बताना होगा कि उसे यहां पेंसिल नहीं पकड़नी है, यहां भी नहीं पकड़नी है, उसे पेंसिल यहां पकड़नी है. जिस तरफ से हम लिखते हैं इस एज पर, यहां पर उसे पेंसिल इस तरह से होल्ड करना है ट्राईपॉड ग्रिप के थ्रू. इस तरह से बच्चा अच्छे से लिखना सीखेगा और उसके हाथ में दर्द भी नहीं होगा. एक और बात, जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है नर्सरी में, आप उसे राउंड पेंसिल्स के बजाय इस तरह की ट्रायंगुलर पेंसिल दीजिए. राउंड पेंसिल से लिखना हार्ड होता है. जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है राउंड पेंसिल से उसे लिखना हार्ड होता है, उन्हें ग्रिप प्रॉपरली नहीं आती. बट अगर आप ट्रायंगुलर पेंसिल देंगी तो इनका जो नेचुरल ट्रायंगुलर बेस है इस वजह से उन्हें ट्राईपॉड ग्रिप नेचुरली आ जाएगा, पेंसिल होल्डिंग प्रॉपरली वो कर पाएंगे क्योंकि इसका ट्रायंगुलर बेस है. सो ट्रायंगुलर पेंसिल आप प्रेफर करिए इंस्टेड ऑफ राउंड पेंसिल जब वो लिखना स्टार्ट करें नर्सरी में. उसके बाद आप शिफ्ट हो सकती हैं राउंड पेंसिल्स के लिए. अगर आपको लगता है कि बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, वो प्रॉपर पेंसिल ग्रिप कर ही नहीं पा रहा है, आपके प्रैक्टिस करवाने के बाद भी, बार बार ट्राईपॉड ग्रिप उसे याद दिलाने के बाद भी वो प्रॉपर लिख नहीं पा रहा है, तो आप पेंसिल ग्रिपर का यूज कर सकती हैं. पेंसिल ग्रिपर कुछ इस तरह की होती है, बहुत सारी शेप्स में अवेलेबल होती है मार्केट में. ये फोम की बनी होती है, ये पेंसिल को थोड़ा सा मोटा कर देती है ताकि बच्चा पेंसिल अच्छे से होल्ड कर सके इस तरह से. सो पेंसिल ग्रिपर की मदद से बच्चा
पेंसिल अच्छे से होल्ड करना सीखेगा और नीटली लिख पाएगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रही है क्योंकि वो ग्रिप प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, पेंसिल होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप पेंसिल ग्रिपर्स का यूज कर सकती हैं। ये बहुत चीप होते हैं, मैंने आई थिंक 30 रुपीज में कुछ 5 पीसेस खरीदी थी। सो पेंसिल ग्रिपर का आप यूज कर सकती हैं सो दैट आपका बच्चा नीटली लिख सके और पेंसिल होल्डिंग प्रॉपरली सीख पाए। अगर आप टाइम पर बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग पे वर्क नहीं करेंगी, फोकस नहीं करेंगी और वो गलत तरीके से पेंसिल पकड़ेगा, पूरे 5 फिंगर्स यूज करके पेंसिल पकड़ेगा, तो इस तरह की आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा फ्यूचर में और उसकी हैंडराइटिंग स्पीड इससे इफेक्ट करेगी। इसलिए पेंसिल कंट्रोल को सिखाना और टाइम पे सिखाना बहुत जरूरी है। सो ये है मेरे बेटे की नोटबुक, आप उसकी हैंडराइटिंग देख सकती हैं। जब वो एलकेजी में था वो इस तरह से लिख रहा था एंड आई थिंक एलकेजी के लिए इस तरह की हैंडराइटिंग बहुत नीट है, बहुत क्लियर है। उसकी भी पेंसिल ग्रिपिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो पूरे 5 फिंगर्स यूज करके पेंसिल को इस तरह से होल्ड किया करता था। फिर मैंने बहुत फोकस किया, बहुत वर्क किया उसकी पेंसिल ग्रिपिंग पर, पेंसिल होल्डिंग पर। उसके लिए हमने बहुत सारी पेंसिल ग्रिपर्स भी खरीदे। स्लोली जब वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया उसने, उसके बाद उसकी पेंसिल होल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो इस तरह से नीटली लिखना सीख पाया। सो मॉमी, नीट से लिखने के लिए और बहुत देर तक बिना हाथ में दर्द के बहुत देर तक लिखने के लिए बच्चे को प्रॉपर पेंसिल होल्डिंग सिखाना बहुत जरूरी है। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.